हाय गाइस, तो आज है 29th of September संडे और मैं निकली थी अपने लिए थोड़ा फल वगैरह लेने कल्याणी में। जब आप दिन में ऐसे कल्याणी में निकलते हैं दुर्गा पूजा के 10 दिन पहले, तो आपको बहुत ही बेहतरीन दुर्गा पूजा प्रिपरेशन देखने को मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं घरों के बाहर ऐसे लाइटिंग लगती है, और अगर आप बहुत फॉर्चुनेट इनफ है कि आपके जस्ट घर के सामने पार्क है, तो हर पार्क में पंडाल ज़रूर लगता है। तो अब ये मेरे घर के सामने पंडाल लग रहा है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। वैसे कहते हैं कि सजाने के लिए घरों में चंदा लिया जाता है, पर मुझसे नहीं लिया, पता नहीं क्यों। हो सकता है मैं रेंट पे रह रही हूँ इसलिए नहीं लिया। ओके, तो अभी यहाँ पे एक भैया हैं जो ये सब सजा रहे हैं, उनसे थोड़ा सा रिव्यू लेंगे क्योंकि ये बहुत सालों से यहाँ पे कर रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। हेलो भैया। हाँ बोलिए। तो अभी आप क्या कर रहे हो? हम जो दुर्गा पूजा है उसका लाइटिंग बना रहा है। तो आप कब से कर रहे हो ये सब यहाँ पे? यहाँ पे आज शुरू किया है। इसके पहले कभी यहाँ पे किया है? पहले अगले साल किया है। अच्छा, एक्चुअली यहाँ पे पिछले साल को अगले साल बोलते हैं, है ना? तो हिंदी का बांग्ला हम बोलते हैं ना, हम बंगाली है इसलिए। और ये कलकत्ता तो नहीं है, ये कल्ला में बांग्ला ही चलता है, हिंदी चलता है, समझता है, मगर बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है। हाँ, तो बताइए भैया, बताइए यहाँ का कैसा रहता है प्रिपरेशन वगैरह? ये अंदर की जो कल्याणी का वार्ड वार्ड जो पूजा होता है, ये 10 नंबर का पूजा है, वार्ड में जो पूजा है उसका लाइटिंग हो रहा है। सप्तमी प्रोग्राम होता है इधर, एकदम नवमी तक, उसके बाद विसर्जन है दशमी में, बस ऐसे। ठीक है, थैंक यू भैया। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे सप्तमी से शुरू हो जाता है पूजा और दशमी तक होता है। वैसे तो प्रिपरेशन यहाँ पे काफ़ी पहले शुरू हो जाती है, जो मेन पूजा है वो सप्तमी से शुरू होता है, जैसा कि भैया ने बताया। तो यस, आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मतलब ये मेरे जस्ट सामने मेरा पार्क में यहाँ पे पंडाल सजा है, जो कि आपको मैं दिखाऊंगी, और मेरे घर के जस्ट सामने ये लाइटिंग हो रही है जहाँ पे मैं अभी रह रही हूँ। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दुर्गा पूजा। लेट्स सी।